हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। वो है कि आपको कंटिन्यूअसली मतलब कैसे कंटिन्यू आपको 12 आवर्स 14 आवर्स पढ़ सकते हो आप लोग, मतलब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो लाई हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको करना है। तो मैं आप लोगों के लिए 5 टिप्स लेके आई हूँ कि कैसे कैसे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो मैं आपको वन बाय वन बताते जाऊंगी, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहला ट्रिक है कि आप लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि YouTube पे सब आता है कि पोमोडोरो टेक्निक ये सब बोल के, तो उस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। वो भी बहुत यूजफुल है, जो मुझे भी मेरी स्टडी के टाइम पे हेल्प किया था। उसमें ऐसे होता है ना कि 25 मिनट्स आपको पढ़ने होते हैं और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बहुत यूजफुल होता है कि 5-5 मिनट्स के ब्रेक आपको मिलते हैं ना, तो आपका माइंड भी उस टाइम पे रिलैक्स हो जाता है और आराम से आप बहुत लॉन्ग टर्म पढ़ सकते हो, और ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। सेकेंड ट्रिक आपके लिए ये है कि आप ऐसे कर सकते हो, जो जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे आपको एक अच्छा वीडियो मिल गया, मतलब कोई क्लिनिकल केस हो गया या फिर कुछ भी, तो उस क्लिनिकल केस को या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको देखनी है, तो उस वीडियो को आप ऐसे कर सकते हो कि आप उस वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो। जब आपका मन नहीं कर रहा हो उस टाइम पे उस वीडियो को वॉच कर लो, और उस वीडियो को वॉच करने के बाद फिर से आप ट्रैक पे आ सकते हो, मतलब कंटिन्यू आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सेकेंड ट्रिक हो गई। थर्ड ट्रिक ये कर सकते हो आप लोग कि कभी कभी आपका ऐसा मन होता है ना कि बिल्कुल भी मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, बस फोन ही यूज करना है उस टाइम पे, तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो लोग पास आउट हुए हैं उन लोग के इंटरव्यूज देख लिए, या फिर यही वीडियो जो मैं बोल रही हूँ ऐसे वीडियोस देख लिए, तो ये सिर्फ वीडियो भी वॉच कर सकते हो। अगर वीडियो वॉच करने के बाद फिर से आप पढ़ाई पे अपने स्टडी टेबल पर जाके फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कैसे वो लोग किए थे ये सब आपको टिप्स वगैरह मिल जाती है। फोर्थ ट्रिक आपके लिए ये है कि आप एक पेपर लो और एक पेन लो, खुद से क्वेश्चन करो कि मैं आज क्या पढ़ा या फिर क्या पढ़ी और मैं क्या इसको याद कर पा रही हूँ। उसको आप ऐसे करो कि याद करने की कोशिश करो और उस पर लिखते जाओ पेपर में। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो खुद से क्वेश्चन करो मुझे क्यों नहीं आ रहा, फिर उसको वापस जाके पढ़ो। तो आप लोगों को ये तरीका भी मतलब हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ चीज आपको याद नहीं हो रही, उसको जब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई के टाइम पे, उस टाइम पे वो याद कर सकते हो बैठ के आप आराम से, तो ये भी कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो फिफ्थ ट्रिक ये है कि आप जो चीज छोड़ दियो एमसीक्यू जो आपके बचे हुए हैं, उस एमसीक्यू को सॉल्व करो और उसके नीचे जो डिटेल्स दी होती है ऑब्जेक्टिव्स वो पढ़ो। तो ये भी बहुत अच्छी एक ट्रिक है, आपको यूजफुल हो सकती है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जीटीस आपका पूरा एनालिसिस नहीं हो पाता, तो उस जीटीस को एनालिसिस भी आप इस टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हो, तो ऐसे आप लोग लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर कुछ भी डाउट रहा तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको जरूर से वहां पे रिप्लाई दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।